नमस्कार पिलामाने, इन्फो ओडिशा ऑफिशियल चैनल को समस्त को बहुत बहुत स्वागत। आज जो मैराथन क्लास रहिबो थ्री मंथ वन लाइन क्लास 2023 रे, जोटा कि जनवरी रु मार्च पर्यंत जितनी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स होती तार क्विज आम ये डिस्कसन करवा। जनवरी फेब्रुआरी मार्च तीन मस पाने ऑफिशियल एग्जाम आपण मे रे हबार अच्छी तापाई इम्पोर्टेंट रहिबो। आपण मन मे एप्रिल लास्ट वीक रे जहाँ भी एग्जाम अच्छी आपण मन समस्त परीक्षा पाई ए क्वेश्चन जोटा कि करंट अफेयर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ओनली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे नहीं आसी एथर ही क्वेश्चन आसो। आपंकर डेट रिलेटेड हो जाऊ, अथर रिलेटेड हो जाऊ, आपंकर वर्ल्ड अफेयर्स हो जाऊ, इंडिया रो करंट अफेयर्स हो जाऊ, ओडिशा रो भी करंट अफेयर्स हो जाऊ, ओडिशा रो भी जितक न्यूजेस अच्छी या उपर टोटली डिस्कशन ए वीडियो माध्यम रे मुई करी। तो जो पिलाने आछथि नुवा पिलाने सब्सक्राइब कर दियंतु चैनल को फटाफट सेशन आरंभ करबा पूर्वरु, आउ वीडियो को गुटे लाइक दे दियंतु, लाइक कमेंट शेयर करे जमा भूलंतुनी। आगो को एभला वीडियो मु समस्त को पाखु को नेके आसीबी, आपन को बहुत हेल्पफुल रहिबो वीडियो आपन मान करो अपकमिंग एग्जाम पाई प्रिपरेशन रे। ठीक अछि, ओनली इंपोर्टेंट क्वेश्चन उपर डिस्कशन सहित ई डेट को ता थीम सहित मते डिस्कशन करबा। ठीक अछि, आगो को बढ़िबा परवर्ती को माने परवर्ती स्लाइड रे क्वेश्चन गुडा डिस्कशन करबा। ता सहित जदि आपन माने पिला माने पीडीएफ पीडीएफ आपण मन को दरकार हबो, एई जोंटा कि वन लाइन और थ्री मंथ रो पीडीएफ आपण चाहौचंती ताले आपण मने शीघ्र शीघ्र जांतु। डिस्क्रिप्शन रे लिंक अछि, सेटी जॉइन कर दियंतु मो टेलीग्राम चैनल को। आपण को फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्ज, नो जॉइनिंग फी, किसी प्रकार फी देबा को पड़िबानी। आपण को सेटी पीडीएफ अवेलेबल इजीली हे जो, नो वरी। तो आपण मन को किछि करिवा नै, चैनल को जांतु, ओनली जॉइन कर दियंतु। ठीक अछि, पर माने आगो को बढ़िबा, कोन अछि आजिकर फर्स्ट कोन अछि देख देबा। फास्ट अच्छी आपण मानकर इम्पोर्टेंट डेज ऑफ जनवरी 2023 2023 जनवरी जो इम्पोर्टेंट डेज गुड़ा रही था तार थीम सह आम ये डिस्कशन करवा। ओनली इम्पोर्टेंट डेज पांच रु छा अच्छी पे किसी भी असुविधा होनी या मन रखे आप डेट गुड़ाक मन रखी तीन मस ओनली मन रखे। ठीक अच्छे, गोटे दुईटा क्वेश्चन तो आपन निश्चित भाव में सियोर हो। ठीक अच्छे पे फोर्थ जनवरी फास्ट आसगला, फोर्थ जनवरी, फोर्थ जनवरी कौन आसला वर्ल्ड ब्रेल डे। ठीक अच्छे, वर्ल्ड ब्रेल डे तार थीम कौन रही था 2020 थीम रही था स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेल, स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रेल 2023 रो डिक्लेयर हो नाला। तो 22 थीम तो पे नेक्स्ट आसला 10th जनवरी, पे 10th जनवरी आसला वर्ल्ड हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे मन रखिए इम्पोर्टेंट हे 2023 रे ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये रही है आपण 2023 रो थीम वर्ल्ड हिंदी डे रे केबे हेतला 10 जनवरी रे। ठीक अच्छे, आउ ता सहित वर्ल्ड हिंदी रो जो गोटे सम्मेलन होता कौटी होता फिजी रे होता फिजी रे आमर जो फॉरेन एक्सटर्नल मिनिस्टर एस जयशंकर जी सेटारे से अटेंड करते यहाँ भी मन रखी थे पे आगो को बढ़िया। 11 रु 17 जनवरी कौन होगा पे ये होगा आप नेशनल रोड सेफ्टी वीक, ये होगा आप जितिय जोटा कि सड़क सुरक्षा सप्ताह आप पालन कराइला। ता सहित यार जो थीम थी सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा 2023 रो थीम रही जाता। ता सहित आप परवर्त क्वेश्चन को जी जी परवर्त आसा 12 जनवरी आसा आप नेशनल यूथ डे जोटा कि जितिय युव दिवस, युव दिवस कौन आसा नेशनल यूथ डे आप थीम आसला विकसित युवा विकसित भारत, जदि आप युवा विकसित हुए तो भारत भी डेवलप कर ये रहा आप थीम। नेक्स्ट आसा 24 जनवरी आसा नेशनल गर्ल चाइल्ड डे थीम किसी भी नाला। ता सहित 10th जनवरी आप गोटे रही जाता कौन वर्ल्ड हिंदी डे से रिपीट हो जाए तो ताकि आप कमिट करदे। ठीक अच्छे, ट्रेडिशनल नॉलेज टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जोटा अलरेडी उपर डिस्कशन कर दीचे। 25 जनवरी आसा आप 25 जनवरी आसा नेशनल वोटर्स डे, इंपोर्टेंट मन रखे पे 25 जनवरी आप नेशनल वोटर्स डे आसगला से थीम कौन होता मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक्स इनक्लूसिव एक्सेसिबल एंड पार्टिसिपेटिव। ठीक अच्छे, ये रही आप थीम। नेक्स्ट आसगला 26 जनवरी जोटा कि आप इंटरनेशनल कस्टम्स डे डे सहित रिपब्लिक डे भी मन रखे रिपब्लिक डे उपर क्वेश्चन अच्छे आम आगे पढ़ा। तो 26 जनवरी आप इंटरनेशनल कस्टम डे तार हूँ थीम कौन रही है नर्सरिंग द नेक्स्ट जेनेसन, नर्सरिंग द नेक्स्ट जेनेसन तार थीम रही है। 29 जनवरी लास्ट आसगे आप 29 जनवरी एसला आप वर्ल्ड लेप्रोसी डे, लेप्रोसी डे रे आप एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी, एक्ट नाउ एंड लेप्रोसी आप थीम हो ये रहीगला आप
ଟୋଟାଲ ଜାନୁଆରୀର ଯୋଉଟା କି ଆପଣଙ୍କର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡେଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଥିମ୍, ତ ଆପଣ ଏହାକୁ ସ୍କ୍ରିନଶଟ୍ କରି ନେଇକି ନିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ରିପିଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଟୋଟାଲି ମନେ ରହିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ହବନି। ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଫ୍ ଦ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ଯୋଉଟା କି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁଜ୍ ଉପରୁ ଆସିବ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ୱାନ୍ क्वेश्चन नंबर वन, ऑन जनवरी 2023 हु हैज बिकम द चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड। तो चेयरमैन एंड सीईओ ऑफ रेलवे बोर्ड जो नुआ 2023 2023 से किए हैं, ए जी कमला वर्धन राव, बी आर के गुप्ता, सी अनिल कुमार लाहौती, डी अरविंद वालिया, सी है उत्तर अनिल कुमार लाहौती जे की नुआ चेयरमैन हो गले सीईओ रेलवे ऑफ चेयरमैन एवं सीईओ हो गले रेलवे बोर्ड। परवर्ती क्वेश्चन बढ़िया, ହ୍ୱେୟାର ଇଜ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଷ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ ବିଙ୍ଗ ବିଲ୍ଡ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଯୋଉଟାକି ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ପାଣି ଭିତରେ ଦେଇକି ଯୋଉ ଗୋଟେ ମେଟ୍ରୋ ବିଲ୍ଡିଂ ହବ ସେଟା କୋଉଠି ହେଉଛି, ଏ ଦିଲ୍ଲୀ, ବି ମୁମ୍ବାଇ, ସି ଆଗ୍ରା, ଡି କୋଲକାତା। ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ଡି କୋଲକାତା ହେଇଯିବ, କୋଲକାତାରେ ହିଁ ଯୋଉଟାକି ଅଣ୍ଡର ୱାଟର ମେଟ୍ରୋ ବିଲ୍ଡ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହୁ ଇଜ୍ ଦ ନ୍ୟୁ ଚିଫ୍ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ଅଫ୍ UIDAI। ତ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର ରିଲେଟେଡ୍ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟୁରିଜ ବି ଥାଏ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ସଲ୍ଭ କରିଥାଉ। ତ ଆପଣଙ୍କ ସିଓ, ନୂଆ ସିଇଓ ଯୋଉଟା କି UIDAI ର କିଏ ହେଇଗଲେ, ଏ ଡକ୍ଟର ଆନନ୍ଦ ଦେଶପାଣ୍ଡେ, ବି ଡକ୍ଟର ସୁବାସ ଗର୍, ସି ଏମ୍ କେ ମାଲିକ, ୟା ଫିର୍ ଡି ରାଧିକା ଦେଶମୁଖ। ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କର ବି ହେଇଯିବ, ଯୋଉଟା କି ସୌରଭ ଗର୍ଗ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ, ସିଏ ହେଇଗଲେ UIDAI ର ନୂଆ ସିଇଓ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ହୁ ହାଜ୍ ବିକମ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଆର୍ମି ଅଫିସର ଟୁ ବି ଆକ୍ଟିଭଲି ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ଆଟ୍ ସିଆଚେନ୍ ଗ୍ଲାସିୟର। ତ ପ୍ରଥମ ଯୋଉଟାକି ଭାରତୀୟ ମହିଳା ହେଇଗଲେ ଯିଏକି ସିଆଚେନ୍ ଗ୍ଲେସିୟରରେ ଆକ୍ଟିଭଲି ଡିପ୍ଲଏଡ୍ କରାଯାଇଛି, ତାଙ୍କୁ ସେଠାରେ କାମ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହି କାମ ମାନେ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ଭାଳିବାକୁ, ସିଏ କିଏ ହେଇଯିବେ, ତାଙ୍କ ନାଁ କ'ଣ, ଏ ଏମ୍ କେ ମାଲିକ, ସି ବି ଭାବନା କାନ୍ତ, ସି ଶିବା ଚୌହାନ, ୟା ଫିର୍ ଡି ରୀଣା ଦେବୀ, ରୀଣା ଦେବୀ। ତ ଆପଣଙ୍କ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ସି, ଯୋଉଟାକି ଶିବା ଚୌହାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଦିଆଗଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ଆର୍ମି ଅଫିସର ଟୁ ଆକ୍ଟିଭଲି ଡିପ୍ଲଏଡ୍ ଆଟ୍ ସିଆଚେନ୍ ଗ୍ଲେସିୟର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, which country has become the first in Asia to launch hydrogen powered urban trains। to apanakar asia ra prathama jouta ki deso ki heigala jouta ki hydrogen powered train urban area re deploy karibar jouta ki power train ku launch karibar se kon heigala first country se ki e india, b china, c america, d brazil। to apan uttar b hejo china heigala, thik achi china hoji first asian country। next question, next question, in which state did President Draupadi Murmu inaugurate the 18th National Jamboree of Bharat Scout and Guides। तो Jamboree of Bharat Scout Guides जोटा कि भारतर 18तम नेशनल जातीय Jamboree भारत स्काउट गाइड्स थिला, एहाकु इनॉग्रेट द्रौपदी मुर्मू करथले, बाकी कोन राज्यर करथले, ए पंजाब, बी राजस्थान, सी दिल्ली, डी सिक्किम। तो आपन उत्तर बी हेजिवो जोटा कि राजस्थान हेजिवो। परवर्ती क्वेश्चन, व्हाट हैज बीन द नेम ऑफ द गोस मोपा एयरपोर्ट चेंज टू। तो आपणकर गोवा रो जो मोपा एयरपोर्ट रो नाम चेंज कर छि, आरो नाम कोन रखाइ छि, ए मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, बी श्री गुरु रामदास जी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, सी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, या फिर डी चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो आपको उत्तर कोन हिजो, ए हिजो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तार नाम गोवा मोपा एयरपोर्ट रो मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर देबला। परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच सेक्शन हैज बिकम द लॉन्गेस्ट fully automatic block signaling section of Indian Railways। तो आप fully automatic block signaling section जो टेक Indian Railways रह जाए ची, सेटा कौन रेलवे कौन जोन है ची, देखिवा ए बॉम्बे मद्रास सेक्टर, बी गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन, सी ग्रेट इंडियन पेनिसुला सेक्शन, या फिर डी कर्नाटक गोवा सेक्शन। तो आप उत्तर जो है बी है जो कि गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन को फुल्ली ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नालिंग सेक्शन भाव में जोटा कि इंडियन रेलवे या कौन करना घोषणा कर फुल्ली ऑटोमेटिक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, हू हैज बिकम इंडिया 79th चेस ग्रांड मास्टर। तो आपको 79तम चेस मास्टर ग्रांड मास्टर भारत किए हेगले, ए विश्वनाथ आनंद, बी राधिका शर्मा, सी एम प्रणेश, डी राहुल श्रीवास्तव, पी। तो आपको उत्तर सी है एम प्रणेश हेगले 79th चेस ग्रांड मास्टर ऑफ इंडिया। परवर्ती क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंट्री लार्जेस्ट हॉकी स्टेडियम व्हिच वाज इनॉग्रेट बाय उड़ीसा चीफ मिनिस्टर नवीन पटनायक 5 जनवरी 2023। तो 5 जनवरी 2023 रे उड़ीसा जो आपणक मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जोटा कि वर्ल्ड रुठ बड़ जोटा कि हॉकी स्टेडियम को जो कंट्री लास्ट इनॉग्रेट करते तार नाम कौन था, ए अरुण जेटली स्टेडियम, बी महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम, सी शिवाजी हॉकी स्टेडियम, डी बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। उत्तर आपणकर बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम डी है जो आपणको उत्तर। ठीक अच्छे पिला माने परवर्ती क्वेश्चन देखिबा, व्हेयर इज द वर्ल्ड फास्ट म्यूजियम ऑफ पाम लीफ मैनुस्क्रिप्ट अपन रिसेंटली। तो प्रथम भारत वर्ल्ड रो मैनुस्क्रिप्ट
पाम लिफ्ट ताल पत्र जो मनुस्क्रिप्ट लिखा होता तो प्रथम जो म्यूजियम वर्ल्ड रहा कौन खोलगला ए उत्तर प्रदेश बी सिक्किम सी गुजरात डी केरल उत्तर आपरल डी परवर्त क्वेश्चन वेयर इज द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज एम भी गंगा विलास टू बी लॉन्च ऑन 13 जनवरी 2023 13 जनवरी 2023 एम भी गंगा विलास जोटा कि क्रूज रिवर क्रूज नदी में वर्ल्ड फास्ट लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज हो कौ राज्य रही है कौ जगह रही है ए प्रयागराज बी वाराणसी सी तेहरी डी हरिद्वार उत्तर आपंकर बी हो वाराणसी नेक्स्ट क्वेश्चन इन हुज स्टेट डिड फार्मर्स वेलफेयर मिनिस्टर नरेन्द्र सिंह तोमर इनॉग्रेट द नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ 2023 आपंकर नॉर्थ ईस्ट कृषि कुंभ 2023 जोटा कि वेलफेयर मिनिस्टर आपंकर फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर नरेन्द्र सिंह तोमर इनॉग्रेट करते बाकी कौन राज्य करते ए छत्तीसगढ़ बी अरुणाचल प्रदेश सी बिहार या फिर डी मेघालय तो आप उत्तर डी हो मेघालय परवर्त क्वेश्चन हुई स्टेट हेज बिकम द फास्ट फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट इन द कंट्री तो फास्ट डिजिटल फुल्ली डिजिटल बैंकिंग स्टेट कौन कंट्री आम भारत में से कौन स्टेट हो गला ए पंजाब बी केरल सी राजस्थान डी गुजरात उत्तर आपंकर बी हो केरल परवर्त क्वेश्चन इन हुई स्टेट द इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023 वाज स्टार्टेड ऑन 8 जनवरी तो 8 जनवरी 2023 जोटा कि इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2023 आरंभ होता कौ राज्य ए राजस्थान बी पंजाब सी छत्तीसगढ़ डी गुजरात उत्तर आपंकर डी हो गुजरात नेक्स्ट क्वेश्चन हुई पाकिस्तानी टेररिस्ट वाज डिक्लेयर्ड एज ए ग्लोबल टेररिस्ट बाय यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल यूएनसी टू इन 23 जनवरी तो आप जनवरी 2023 यूएनसी गोटे जोटा कि टेररिस्ट को ग्लोबल टेररिस्ट घोषणा करता जोटा कि पाकिस्तान टेररिस्ट तार नाम कौन था ए अली साजिद या फिर बी अब्दुल रहमान मक्की सी मोहम्मद नसीब गुलजार या फिर डी दिल नसीब उत्तर आपंकर कौन हो सी हो मोहम्मद नसीब गुलजार ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया which film has won the best foreign language film and best song award at the 28th critics choice award 2023 so 28th critics choice award 2023 re best song award kaha ko mili gala best foreign language or film and best song award ko film ko milichi a kgf chapter 2 b mimi c RRR ya fir d bahubali 2 apna uttar c hai jo RRR parvati question the 21st edition of bilateral naval exercise vyam barun began on 16 January 2023 between which two countries A India and China B India and Nepal C India and America या फिर D India and France तो उत्तर आपंकर D जो इंडिया एवं फ्रांस नेक्स्ट क्वेश्चन who has won the title of Miss Universe 2022 2022 Miss Universe किए जीते हुए हरनाज कौर संधु बी कैरोलिना बैलेस्कोवा या फिर सी आर बोनी गैब्रियल या फिर डी एंड्रीना माक्रिया तो आप उत्तर कौन हो सी जोटा कि आर बोनी गैब्रियल जो कि मिस यूनिवर्स 2022 से खिताब जीतीगले सी हो उत्तर परवर्त क्वेश्चन व्हेयर विल द 53rd एडिशन ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जोटा कि WEF बिगिन ऑन 16 जनवरी 2023 16 जनवरी 2023 53rd जोटा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रो जोटा कि जोटा ग्रुप एसोसिएशन थला ता सहित आपर तार कन्फरेन्स कौटे होता ए ब्राजिल ए बी कैलिफोर्निया सी स्विट्जरलैंड डी फ्लोरिडा उत्तर आपंकर सी हो स्विट्जरलैंड परवर्त क्वेश्चन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन डिस्ट्रिक्ट टू इम्प्लीमेंट स्टेट ऑफ आर्ट 5G यूज कैसेस प्रपोज बाय विदिशा स्टार्टअप तो विदिशा स्टार्टअप मध्यप्रदेश कौन जिले जो कि फास्ट इंडियन डिस्ट्रिक्ट हो सहित इम्प्लीमेंट कर स्टेट ऑफ द आर्ट 5G यहाँ कौ जिला मध्यप्रदेश विदिशा वि ग्वालियर सी राजगढ़ या फिर डी भोपाल उत्तर आपंकर विदिशा ही हम विदिशा स्टार्टअप दैट मीन विदिशा डिस्ट्रिक्ट तो 21 नंबर ए ही आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पूर्व फेब्रुवारी इंपोर्टेंट डेज मध्य डिस्कशन करदे फेब्रुवारी इंपोर्टेंट डेज उपर फास्ट आसो 2 फेब्रुवारी 2 फेब्रुवारी कौन आस वर्ल्ड वेटलैंड्स डे वेटलैंड्स डे कौन आस टाइम फॉर वेटलैंड्स रिस्टोरेशन थीम हो तार 2023 नेक्स्ट आसा 4th फेब्रुवारी वर्ल्ड कैंसर डे इंपोर्टेंट यूनाइटिंग आवर वॉइस एंड टेकिंग एक्शन ये रही आपंकर वर्ल्ड
कैंसर डे थीम। नेक्स्ट क्वेश्चन आसला 24 सेंट्रल एक्सरसाइज डे 24 फेब्रुआरी आपनकर सेंट्रल एक्सरसाइज डे माना जाय थाय। ता सहित 27 फेब्रुआरी आसला वर्ल्ड सस्टेनेबल एनर्जी डे जहार थीम थिला एनर्जी ट्रांजिशन इक्वल टू एनर्जी सिक्योरिटी। ये होय जो आपनकर वर्ल्ड सस्टेनेबल एनर्जी रो जोटा की थीम रहिजो। नेक्स्ट आसला 28 फेब्रुआरी जोटा की लास्ट ऑफ द फेब्रुआरी ये है जो आपन करा नेशनल साइंस डे। ठीक अच्छे पे इंपोर्टेंट ओनली इंपोर्टेंट डे और तार थीम मुझे डिस्कशन कर दे 23 रोटा कि फेब्रुआरी मास। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया व्हेयर विल इंडिया फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑनलाइन गेमिंग बी सेट अप बाय मार्च 2023। तो मार्च 2023 जोटा कि फर्स्ट ऑनलाइन गेमिंग सेंटर जोटा कि एक्सीलेंस सेंटर कौन थे जो कि उद्घाटन कर तेलंगाना बी सिमला सी गुजरात या फिर डी ग्वालियर। उत्तर आपनकर कौन है जो बी है जो सिमला। परवर्ती क्वेश्चन के जीवा व्हेयर डिड सारंग 2023 इंडिया बिगेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल बिगेन। तो सारंग जो इंडिया सब बड़ स्टूडेंट रन फेस्टिवल आरंभ होता है कौटी आरंभ होता है ए आईआईटी दिल्ली बी आईआईटी मद्रास सी आईआईटी मुंबई डी आईआईटी जोधपुर। उत्तर आपनकर आईआईटी मद्रास। ता सहित सारंग 2023 बिगेस्ट स्टूडेंट रन फेस्टिवल रिलेटेड अच्छी मन रखिए। परवर्ती क्वेश्चन जीवा इन जनवरी 2023 व्हिच इंडियन टेनिस प्लेयर हैज कन्फर्म हिज रिटायरमेंट फ्रॉम प्रोफेशनल टेनिस। 2023 जनवरी रे इंडिया रे कौन टेनिस प्लेयर जे कि ताकर खेल रु से अवसर नहींचंती ए कामरान करमान कौर थांडी बी राधिका शर्मा सी सानिया मिर्जा डी अर्चना राणा। तो आपको उत्तर कौन है जीवो सी है जीवो सानिया मिर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच स्टेट द इनॉग्रल एडिशन ऑफ इंडिया इजिप्ट जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज साइक्लोन वन बिगिन। तो आपको इंडिया इजिप्ट जॉइंट एक्सरसाइज जो कि साइक्लोन वन बिगिन होता कौ स्टेट होता ए गुजरात बी न्यू दिल्ली सी राजस्थान डी सिक्किम। तो उत्तर आपंकर कौन है आप उत्तर सी है राजस्थान। परवर्ती क्वेश्चन देखा Who won the men's single India Open Badminton Championship on January 2023? January 2023 रे India Open Badminton Championship में men's single का title की जीत गई। A. Milaris Jaswant B. Sarika Josh C. Kunal Vat Uddishtan D. R. B. Ravi। उत्तर अपन को कौन है जो C है जो कि Kunal Vat Uddishtan। Next question देखिवा Where was the exercise Ampex 2023 organized between the Tri-Service of India Army? From 17 to 22 January, A. Andhra Pradesh, B. New Delhi, C. Gujarat, D. Odisha. Uttar apna karo, A. Andhra Pradesh. Parvati question, who was the Chief Justice, Chief Guest of India 74th Republic Day Celebration 2023? Mujhe kya kahi rakhti li? Tamo, jota ki Republic Day Celebration le, kou desara jota ki Rashtrapati, amma desare Chief Guest ki astile, A. Kitako na kona thila, A. Abdul Fattah LCC, बी जॉय बाइडेन सी मुल्ला अब्दुल घानी बरदार या फिर डी चीन चिंगफिंग। तो आप उत्तर कौन है जो उत्तर आपको ए है अब्दुल फतेह एलसीसी जो कि चीफ गेस्ट ऑफ इंडिया 74th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन है। ठीक अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़िया द शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो एससीओ फिल्म फेस्टिवल इज बीइंग ऑर्गेनाइज इन मुंबई फ्रॉम 27 टू 31 जनवरी व्हिच इंडियन फिल्म विल हैव इट्स वुड वर्ल्ड प्रीमियर एट द फिल्म फेस्टिवल। से फिल्म फेस्टिवल है जोटा कि कौन इंडियन फिल्म को प्रीमियर कर ए मराठी फिल्म गोदावरी बी तमिल फिल्म अपाठा सी गुजराती फिल्म चेलो साव या फिर डी रशियन फिल्म मॉम आई एम अलाइव। तो उत्तर कौन है उत्तर आपंकर बी जोटा कि तमिल फिल्म अपाठा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा Which of the following organization have been selected for the Subhash Chandra Bose Apda Prabandhan Puraskar 2023 in the international category? The international category re Apda Prabandhan Puraskar 2023 jota Subhash Chandra Bose naam re diya jaitha ta kaha ko jaitla A Odisha State Disaster Management Authority OSDMA ya fir B Lungeli Fire Station LFS Mizoram ya fir C both A and B या फिर डी नॉन ऑफ दी है। उत्तर आपंकर सी है जो बोथ ए एंड बी जोटा उड़ीसा स्टेट डायरेक्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी सहित लुंगेली फायर स्टेशन को मध्य दी जाता सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द पद्म विभूषण इन 2023 फॉर हिज आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू साइंस एंड इंजीनियरिंग। तो साइंस और इंजीनियरिंग रे आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन पर पद्म विभूषण अवार्ड 2023 रे कहा को मनोनीत करा ए श्री श्रीनिवास वर्धन बी श्री जाकिर हुसैन सी रीणा देवी या फिर डी एम एस मिसेस सुधा मूर्ति। आपको उत्तर जो है ए जो श्री श्रीनिवास वर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन
ऑन द ओकेजन ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस बर्थ एनिवर्सरी ऑन 23 जनवरी 21 आइलैंड ऑफ व्हिच इंडियन टेरिटरी नेम्ड आफ्टर द परमवीर चक्र विनर। तो आपंकर जो 23 जनवरी 2023 रे सुभाष चंद्र नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर बर्थ एनिवर्सरी रे 21टा दीप को कोन होयथला ना यूनियन गुटे यूनियन टेरिटरी परमवीर चक्र मानकर जो मैंने परमवीर चक्र पाइले नाम नामित कराइला कौ यूनियन टेरिटरी ए लक्षादीप बी दामन दीव सी दादानगर हवेली डी अंडमान निकोबर आइलैंड उत्तर डी अंडमान निकोबर आइलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड फर्स्ट इंटरनेशनल कोविड 19 वैक्सीन। तो इंटरनेशनल कोविड 19 वैक्सीन प्रथम वर्ल्ड रो कौन हेगला ए स्पुतनिक बी वी इनकोनोमा सी इनकोनोवाक इनकोवाक या फिर डी कोवैक्सिन। तो उत्तर आपको सी इनकोवाक हेगो जोटा कि नाक द्वारा आपर से वैक्सीन इंटरनेशनल कोविड 19 वैक्सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन Who has been selected as the male ODI cricketer of the year? The male ODI cricketer of the 2023 by A. Wayne Stock, B. Hardik Pandya, C. Rishabh Pant, D. Arun Jadeja. Uttar aapanko kon hai jo A jodha ki Wayne Stock hai. Next question: The Rashtrapati Bhavan Gardens, popularly known as the Mughal Gardens, have been renamed as on January 2023. व्हाट इज द नेम न्यू नेम ऑफ द मुगल गार्डन। तो तार नुआ नाम कौन होगा जोटा कि मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन अच्छी ए राष्ट्रपति उद्यान बी कर्तव्य उद्यान सी रिपब्लिक उद्यान या फिर डी अमृत उद्यान। उत्तर आपर अमृत उद्यान डी हो। परवर्ती क्वेश्चन व्हिच टीम हैज ओन द अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023। तो कौ टीम जीती गला जोटा कि वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2023 कैटेगरी कौन होता अंडर 19 ए इंडिया बी पाकिस्तान सी इंग्लैंड डी ऑस्ट्रेलिया। उत्तर आपंकर कौन हो एजो जोटा कि इंडिया ही जीती आम भारत। परवर्ती क्वेश्चन देखा व्हिच टीम हैज ओन द मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2023। तो मेन्स हॉकी वर्ल्ड कप 2023 खिताब किए जीती जाती ए न्यूजीलैंड हॉकी टीम बी जर्मन हॉकी टीम सी ऑस्ट्रेलियन मेन्स हॉकी टीम या फिर डी इंडियन हॉकी टीम। तो उत्तर आपंकर बी जर्मन हॉकी टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन हू ओन द मेन सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 टाइटल। तो मेन सिंगल ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब किए जीतला ए कोको गॉफ बी सेरेना विलियम्स सी सानिया मिर्जा डी आर्याना सवलेंका। तो अपन उत्तर आर्याना सवलेंका है जो उत्तर। परवर्ती क्वेश्चन हु हैज बीन डिक्लेयर्ड बेस्ट मार्चिंग कंटिजेंट एट रिपब्लिक डे 2023। रिपब्लिक डे आपन मन को इंपोर्टेंट रहिबो से थ्रू क्वेश्चन आसीबा चांसेस अछि। तो बेस्ट कंटिजेंट मार्चिंग कंटिजेंट कहा को दिया जायतला ए असम राइफल्स बी सीआरपीएफ डी सी एयरफोर्स डी आरपीएफ। तो उत्तर आपनकर बी हेजो जेडा कि सीआरपीएफ हेजो। नेक्स्ट क्वेश्चन इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द 9th एडिशन ऑफ कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल विल बी हेल्ड इन फेब्रुअरी 2023। तो आपन मनकर 9th एडिशन जो कलिंगा लिटरेरी फेस्टिवल रथिला तार एडिशन 23 फेब्रुअरी रे हेतला। तो एटा कोन शहर रे अनुसूचित हेतला ए न्यू दिल्ली बी गुवाहाटी सी कलकत्ता डी भुवनेश्वर। तो उत्तर आपर डी हम जो भुवनेश्वर। परवर्ती क्वेश्चन देखिए कौन अच्छी एशियस फर्स्ट फ्लोटिंग फेस्टिवल गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल 2023 बिगिन इन व्हिच स्टेट इन फेब्रुअरी 2023। तो आपण मानकर एशियार प्रथम भाषमान महोत्सव गांधी सागर फ्लोटिंग फेस्टिवल फेब्रुआरी 2023 कौन राज्य आरंभ होता ए मध्यप्रदेश बी आंध्रप्रदेश सी उड़ीसा डी कर्णाटक। उत्तर आपर ए हो मध्यप्रदेश। परवर्ती क्वेश्चन देखा Which of the following country will reopen its embassy in Solomon Island after 30 years? निम्नलिखित में देश मध्य कौन 30 वर्ष पर सोलोमन द्वीप पर निज दास खोल ए इंडिया बी चाइना सी अमेरिका डी कनाडा। तो उत्तर आपर कौन हो उत्तर आपर सी हो जोटा कि अमेरिका। परवर्ती क्वेश्चन देखा Who among the following has been listed as UN listed terrorist in India? निम्नलिखित में किए भारतीय जातिसंघ तालिकाभुक्त आतंकवादी भाव में तालिकाभुक्त होती ए अब्दुल रहमान मक्की बी अब्दुल खान सी अब्दुल रहीम करीम या फिर डी हफिज सईद। तो आपको उत्तर ए हो जोटा कि अब्दुल रहमान मक्की। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच सिटी वाज रिसेंटली डिक्लेयर्ड एज द न्यू कैपिटल ऑफ द स्टेट बाय द चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्रप्रदेश। निकटने कौन सहर को आंध्रप्रदेश मुख्यमंत्री राज्यर नूतन राजधानी भाव में घोषणा करते ए हैदराबाद बी कल्याणपुर सी विशाखापट्टनम डी तिरुपति। उत्तर आपंकर सी विशाखापट्टनम हो। परवर्ती क्वेश्चन व्हेन द फॉलोइंग हैज बीन ऑनर्ड विद द एफआईएच नेशनल अवार्ड 2023। निम्नोक्त मध्य किए एफआईएच जातीय पुरस्कार 2023 सम्मानित होती ए प्रदीप कोहली बी रूल सी वीके पांडियन
ডি আলোক গোস্বামী উত্তর আপনার কোন হয়ে সি হয়ে যেটা কি ভিকে পাণ্ডিয়ান হয়ে যাবে নেক্সট কোশ্চেন দেখা হু এবং দ ফলোইং হ্যাজ বিন অ্যাপয়েন্টেড এজ দ ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর অফ দ ন্যাশনাল মিনেরাল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশন যেটা কি এনএমডিসি তো এনএমডিসি নয় ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর কাহক অ্যাপয়েন্ট করেছি এ অক্ষয় কুমার বি নিখত জরিন সি অভিষেক যাদব ইয়া ডি বিশাল গোয়েল তো উত্তর আপনার বি হয়ে নিখত জরিন নেক্সট কোশ্চেন হু হ্যাজ রিসেন্টলি ওন ফোর গোল্ড মেডালস ইন ওয়াটার স্পোর্টস ইন খেলো ইন্ডিয়া ইউথ গেমস নিকটরে খেলো ইন্ডিয়া ইউথ গেমসে জল ক্রীড়ার চারিটি স্বর্ণ পদক জিতিছন্তি এ মহারাষ্ট্র বি মধ্যপ্রদেশ সি রাজস্থান ডি নন অফ দিস উত্তর আপনার মধ্যপ্রদেশ বি হয়ে যাবে উত্তর পরবর্তী কোশ্চেন দেখা ইন হুইচ অফ দ ফলোইং স্টেটস দ ফার্স্ট ভিএফএস গ্লোবাল জয়েন্ট ভিসা আপ্লিকেশন সেন্টার ওয়াজ ইনগ্রেটেড নিম্নোক্ত মধ্যে কোন রাজ্যের প্রথম ভিএফএস গ্লোবাল মিলিত ভিসা আবেদন কেন্দ্র উদ্ঘাটিত হল এ উত্তরপ্রদেশ বি মধ্যপ্রদেশ সি হিমাচল প্রদেশ ডি জম্মু কাশ্মীর উত্তর এ হয়ে উত্তরপ্রদেশ নেক্সট কোশ্চেন হু এবং দ ফলোইং বিকম দ ওনলি লিভিং ইন্ডিয়ান টু উইন দ্য গ্রামি অ্যাওয়ার্ড থ্রাইস নিম্নোক্ত মধ্যে কি একমাত্র জীবন্ত ভারতীয় তিনি থর গ্রামি পুরস্কার জিতিছন্তি এ রশ্মিরঞ্জন বি রিকি রেজ কেজ ইয়াফে সি জয় ভানুশালী ডি অভিষেক রানা উত্তর আপনার বি হয়ে যাব রিকি কেজ নেক্সট কোশ্চেন ইন হুইচ স্টেট এশিয়াস লার্জেস্ট হেলিকপ্টার ফ্যাক্টরি ওয়াজ ইনগ্রেটেড পিএম মোদি ইন ফেব্রুয়ারি 2023 ফেব্রুয়ারি 2023 যেটা কি এশিয়ার লার্জেস্ট হেলিকপ্টার ফ্যাক্টরি উদ্ঘাটন করেছি মোদি দ্বারা সেটা কোটি এ কর্ণাটক বি মিজোরাম সি সিকিম ডি অরুণাচল প্রদেশ আপনার উত্তর এ হয়ে যাব কর্ণাটক নেক্সট কোশ্চেন দেখা কোণ আছে নেক্সট কোশ্চেন Who among the following has been awarded with the Golden Book Award 2023 for Now You Breathe? নিম্নোক্ত মধ্যে কিয়ে Now You Breathe পাই গোল্ডেন ব্লুক পুরস্কার 2023 রে পুরস্কৃত হয়েছেন এ শশি গোয়েল বি মনীষ মানসী কপুর সি রাখি কপুর ডি কবিতা রানা তো উত্তর আপনার সি হয়ে যাব রাখি কপুর পরবর্তী কোশ্চেন হুইচ অফ দ ফলোইং কান্ট্রি ডেভেলপ দ্য ওয়ার্ল্ড ফার্স্ট সুপার ম্যাগনেট টু বি টেস্টেড ইন নিউক্লিয়ার পাওয়ার পরমাণু শক্তিরে পরীক্ষণ করা নিম্নোক্ত দেশ মধ্যে কোটি বিশ্বর প্রথম সুপর চুম্বককে বিকশিত কলা এ চাইনা ডি ইউনাইটেড কিংডম সি রাশিয়া ডি জাপান উত্তর আপনার বি হয়ে যাব ইউনাইটেড কিংডম পরবর্তী কোশ্চেন দেখা হুইচ স্টেট গভর্নমেন্ট লঞ্চ দ্য সেকেন্ড এডিশন অফ পুডুমাই পেন যোজনা ইন ফেব্রুয়ারি 2023 ফেব্রুয়ারি 2023 রে কোন রাজ্য সরকার পুডুমাই পেন যোজনা দ্বিতীয় সংস্করণ আরম্ভ করেছিল এ কর্ণাটক বি কেরল সি গোয়া এফ ডি তামিলনাড়ু উত্তর আপনার তামিলনাড়ু ডি হয়ে যাব পরবর্তী কোশ্চেন হু হ্যাজ বিন অনার্ড উইথ দ্য এটিডি বেস্ট অ্যাওয়ার্ড ফর দ্য সিক্স কনজিকটিভ ইয়ার ক্রমাগত ষষ্ঠ বর্ষ পাই কি এটিডি বিশিষ্ট পুরস্কার সম্মানিত হয়েছেন এ ওএনজিসি বি এনটিপিসি সি আইওসিএল ডি সেল উত্তর আপনার বি হয়ে যাব এনটিপিসি নেক্সট কোশ্চেন হু হুইচ হ্যাজ বিকম দ্য ইন্ডিয়াস ফার্স্ট অ্যাপ টু সপোর্ট ক্রেডিট কার্ড অন ইউপিআই ইউপিআই রে ক্রেডিট কার্ড কু সমর্থন করা কোটি ভারতের প্রথমে অ্যাপ হয়ে পড়ছে এ ভারত পে বি চিঙ্গারি সি মোবিকুইক ডি ইউনো এসবিআই উত্তর আপনার সি হয়ে যাব মোবিকুইক নেক্সট কোশ্চেন ফর দ ফার্স্ট টাইম ইন ইন্ডিয়া হোয়ার হ্যাভ লিথিয়াম রিজর্ভ বিন ফাউন্ড ভারতের প্রথম থর পাই লিথিয়াম ভণ্ডার কোটার মিলা এ উত্তরপ্রদেশ ডি সিকিম সি জম্মু কাশ্মীর ডি লদাখ উত্তর আপনার সি হয়ে যাব জম্মু কাশ্মীর পরবর্তী কোশ্চেন দেখা হু হ্যাজ বিন অ্যাপয়েন্টেড দ্য নিউ ভাইস চিফ অফ ইন্ডিয়ান আর্মি তো ভারতের নয় ভাইস চিফ ইন্ডিয়ান আর্মিরে কে কাহক অর্পণ করাছি এ অরবিন্দ সাক্সেনা বি রঞ্জন অম্বা সি এম ভি সুচেন্দ্র কুমার ইয়া ফের ডি এম রামাকুমার উত্তর আপনার সি হয়ে যাব এম ভি সুচেন্দ্র কুমার নেক্সট কোশ্চেন হুইচ ডিস্ট্রিক্ট হ্যাজ ওন দ্য স্বরাজ ট্রফি 2021-22 ফর দ্য বেস্ট ডিস্ট্রিক্ট পঞ্চায়েত কোন জেলা শ্রেষ্ঠ জেলা পঞ্চায়েত পাই স্বরাজ ট্রফি 2021-22 জিতিছি এ কলিকড় বি কোলাম সি পেরামপুড়ু ডি কন্নোর তো উত্তর আপনার বি হয়ে যাব কোলাম নেক্সট কোশ্চেন হোয়ার হ্যাজ দ্য 49th এডিশন অফ খজুরাও ড্যান্স ফেস্টিভাল স্টার্টেড খজুরা নৃত্য মহোৎসব 49তম সংস্করণ কোথায় আরম্ভ হয়েছে এ গুজরাট বি রাজস্থান সি উত্তরপ্রদেশ ডি মধ্যপ্রদেশ তো উত্তর আপনার ডি হয়ে যাবে যেটা কি মধ্যপ্রদেশ পিলামানে কই রখিবি এমনি কোশ্চেন মুঁ আপনার পাখানে রেগুলারলি নেইকি আসিবি তো ভিডিওকে লাইক কমেন্ট সেয়ার করা জমা ভুলতিনি চ্যানেলে নুয়া থাকা পিলামানে চ্যানেলকে সবসক্রাইব করে দিও তো ইয়ে 3 মন্থ ওয়ান লাইনের কোশ্চেন রহিব পিলামানে তো পিলামানে লাস্ট পর্যন্ত ভিডিও সহ জড়িকি রুহতু মজাদার রহিব আপনার সমস্ত ইম্পর্টাট এমসিকিউস হি অ্যাভেলেবল হব চলতু বড়িবা আগকে দেখা কোণ অছি কোশ্চেন হুইচ ফিল্ম হ্যাজ বিন চোজেন ফর দ্য ফিল্ম অফ দ্য ইয়ার এট দ্য দাদা সাহেব ফালকে ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভাল 2023 দাদা সাহেব ফালকে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মহোৎসব 2023 রে কোন চলচ্চিত্র বর্ষ ইয়ার অফ দ্য ফিল্ম অফ দ্য ইয়ার যেটা কি ভাবে মনোনীত হয়েছে এ কাশ্মীর ফাইলস বি কেজিএফ চ্যাপ্টার 2 সি রকেট্রি ডি
ट्रिपल आर उत्तर आपणकर डी हे जीव ट्रिपल आर। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द कंट्रीज फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट विल बी बिल्ड। निम्नलिखित राज्य मध्ये कोण राज्य रे देशर प्रथम आणविक कारखाना निर्माण हेबो, ए केरल, बी महाराष्ट्र, सी सिक्किम, डी हरियाणा। तो उत्तर आपणकर डी हे जीव जोडा की हरियाणा। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा, Where will be the World Book Fair 2023 be held? विश्व पुस्तक मेला 2023 कोठे अनुष्ठित हेबो, ए भुवनेश्वर, बी पुणे, सी अहमदाबाद, डी न्यू दिल्ली। उत्तर आपनकर न्यू दिल्ली डी हे जो उत्तर। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा, Where will be the 12th World Hindi Conference be held? तो द्वादश विश्व हिंदी सम्मेलन कोठे अनुष्ठित हो जाइतला, ए फिजी, बी यूएई, सी नेपाल, डी बांग्लादेश। तो आपनकर उत्तर ए हे जो जोटा की फिजी हे जो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, सीपी राधाकृष्णन हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू गवर्नर ऑफ व्हिच स्टेट? सीपी राधाकृष्णन कौन राज्यर नूतन राज्यपाल भाव नियुक्त होती, ए छत्तीसगढ़, बी वेस्ट बंगाल, सी राज्य झारखंड, डी राजस्थान। तो आपर सी झारखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन ऑनर्ड विथ द महाराष्ट्र भूषण अवार्ड? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार किए सम्मानित होती, ए रंजित देसाई, बी शिवाजी सावंत, सी विश्वास पाटिल, डी अप्पा साहब धर्माधिकारी। तो उत्तर कौन है जीवो डी अप्पा साहब धर्माधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अवार्डेड द यूनेस्को पीस प्राइज? इंपोर्टेंट क्वेश्चन, यूनेस्को पीस प्राइज कहा को मिलेगा, ए जैसिंडा आर्डन, बी राचेल कार्सन, सी ग्राविता गुलहाटी, डी एंजेला मर्केल। तो एंजेला मर्केल जो कि जर्मन चांसलर थे मिलगला यूनेस्को पीस प्राइज। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच स्टेट हैज इज होस्टिंग द फर्स्ट फ्रोजन लेक माराथन? तो कौन राज्य जो फर्स्ट फ्रोजन लेक माराथन आरंभ कर, ए अहमदाबाद, बी न्यू दिल्ली, सी लद्दाख, डी लखनऊ। उत्तर आपको सी है जो लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज बीन लॉन्च इट्स फर्स्ट ग्लोबल सपोर्ट सेंटर इन इंडिया? तो फर्स्ट बोइंग ग्लोबल सपोर्ट सेंटर जो भारत कौटा कौन राज्य आरंभ कर, ए नागपुर, बी न्यू दिल्ली, सी अहमदाबाद, डी गुड़गांव। तो उत्तर आपको डी गुड़गांव है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज द सिक्स्थ एडिशन ऑफ इंडो यूएस जॉइंट एक्सरसाइज तर्कस कंक्लूडेड? तो इंडो यूएस जो जॉइंट एक्सरसाइज तर्कस कौठे जोटा कि संस्करण तार शेष होती, ए राजस्थान, बी विशाखापट्टनम, सी चेन्नई, डी कोलकाता। उत्तर आपंकर सी है जो चेन्नई। परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच इंडियन अमेरिकन हैज रिसेंटली बिकम द न्यू सीईओ ऑफ यूट्यूब? तो यूट्यूब नुआ जो इंडियन अमेरिकन सीईओ हो जाते सी किए, ए सुंदर पिचाय, बी नील मोहन, सी सत्यनादला, डी सुशांत डैन ओजोसी की। तो आपको उत्तर नील मोहन बी है जो उत्तर। परवर्ती क्वेश्चन देखिए, परवर्ती क्वेश्चन, जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज धर्म गार्डियन हैज बीन हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड व्हिच कंट्री? तो धर्म गार्डियन भारत और कौन देश सहित जोटा कि मिलित सामरिक अभ्यास हो जाइए, ए अमेरिका, बी श्रीलंका, सी बांग्लादेश, या फिर डी जापान। उत्तर आप जापान है जो। परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर साइंटिस्ट हैज बीन अवार्डेड द 2023 मार्कोनी प्राइज? तो कौन जोटा कि कंप्यूटर साइंटिस्ट को 2023 मार्कोनी प्राइज दी, ए सुभाषुरी, बी राज रेड्डी, सी फ्रेड ब्रुक्स, या फिर डी हरि बालकृष्णन। तो उत्तर आपर हरि बालकृष्णन डी ही है जो उत्तर। परवर्ती क्वेश्चन देखा, व्हिच स्टेट हैज नेम्ड द विनर ऑफ द 30th हॉकी इंडियन सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2023 2023 कौन राज्य 13th हॉकी इंडिया सीनियर महिला जातीय चैंपियनशिप विजेता भाव में नामित हेले, ए उत्तर प्रदेश, बी सिक्किम, सी मध्यप्रदेश, डी झारखंड। तो उत्तर आपर मध्यप्रदेश सी है जो। परवर्ती क्वेश्चन, हु हैज बेग द बेस्ट फीफा मेन्स प्लेयर प्राइज फॉर 2022? तो 2022 बेस्ट फीफा मेन्स प्लेयर भाव में क्या घोषणा कर, लियोनेल मेसी, बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सी लुका लोसासेवी, डी लियोनेल स्कालोनी। तो आपको उत्तर कौन है जीव ए है लियोनेल मेसी। परवर्ती क्वेश्चन, तो परवर्ती क्वेश्चन पूर्व इम्पोर्टेंट डेट आउ 3 मार्च मस डिस्कसन करद। तो फर्स्ट मार्च कौन आसा जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे, तो थीम आपंकर रही सेव लाइफ डिक्रिमिनलाइज आपंकर थीम रही 2023। तो थर्ड मार्च जोटा कि 3 मार्च वर्ल्ड लाइफ डे जोटा कि रिकवरिंग की स्पेसीज फर इकोसिस्टम रिस्टोरेशन रही थीम 2023। फोर्थ मार्च में आपको आसला नेशनल सेफ्टी डे और एम जीरो हार्म तार थीम रही। सहित 8 मार्च में आपको आसला इंटरनेशनल वुमेन्स डे, 16 मार्च आसला नेशनल वैक्सीनेशन डे, सहित 21 मार्च आसला नेशनल सिविल सर्विस डे। ठीक अच्छे पाला ये सब मन रखी देते हैं। सहित 22 मार्च में आपको आस वर्ल्ड वाटर डे इंपोर्टेंट रहा सहित एसिलेटिंग द चेंज टू सॉल्व द वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस। सहित 23 मार्च में आसला वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे इंपोर्टेंट आर्ली
वार्निंग एंड आर्ली एक्शन तार थीम रही 2023 23 मार्च आउ गोटे जिनस अच्छी मटेरियल्स डे मध्य आसुची जोटा कि शहीद दिवस हो सहित 24 मार्च आप वर्ल्ड टीवर क्लेसिस डे जोटा कि वर्ल्ड टीवी डे भी कही था यस वीकेंड एंड टीवी दैट इज द थीम ऑफ 2023 ये रही आप टोटल इंपोर्टेंट जोटा कि डेज विथ थीम 2023 मार्च ठीक अच्छे पे स्क्रीनशॉट करके नहीं रखी दिंतु यार गुड़ाक भल कि मन रखी दिखाते परवर्त क्वेश्चन को बढ़िया आग को कौन अच्छे देखा साउथ कोरिया एंड व्हिच कंट्री विल ऑर्गेनाइज फ्रीडम शील्ड एंड वॉरियर शील्ड जॉइंट एक्सरसाइज दक्षिण कोरिया और कौन देश फ्रीडम शील्ड और वॉरियर शील्ड मिलित सामरिक व्यायाम आयोजित कर आयोजन करता ऑस्ट्रेलिया बी अमेरिका सी जापान बी इंडिया उत्तर आपंकर बी हो अमेरिका परवर्त क्वेश्चन व्हिच कंट्री हैज इनस्टॉल्ड द वर्ल्ड फास्ट बैम्बो बैरियर कौन देश विश्वर प्रथम बैम्बो प्रतिबंधक स्थापन कर चाइना बी जापान सी इंडिया डी ब्रिटेन उत्तर आपंक सी हो भारत नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया एंड व्हिच कंट्री आर्मीज विल पार्टिसिपेट इन ए जॉइंट मिलिटरी एक्सरसाइज फ्रिंज 2023 तो फ्रिंज 2023 रो जो पार्टिसिपेशन ले कौन राज्य रहिबो भारत सहित एपीजी बी जापान सी ऑस्ट्रेलिया डी फ्रांस तो उत्तर आपंकर डी हो फ्रांस नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु हैज अनबिल्ड डाकोटा एयरक्राफ्ट फॉर पब्लिक डिस्प्ले एट बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट भुवनेश्वर बिजू पटनायक अंतर्जातिक विमान बंदर भुवनेश्वर से सर्वसाधारण प्रदर्शनी डाकोटा विमान किए उन्मोचन करते द्रौपदी मुर्मू बी धर्मेन्द्र प्रधान सी नवीन पटनायक डी गणेशी लाल उत्तर आपंकर सी हो नवीन पटनायक क्वेश्चन हु विन्स बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड तो बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स महिला ऑफ द ईयर पुरस्कार किए जीते ए स्मृति मंधाना डी मीराबाई चानू सी श्रुति चंद डी विनेश फोगाट उत्तर बी हो मीराबाई चानू नेक्स्ट क्वेश्चन हु रिसीव 2023 पेन नवकप प्राइज इन इंटरनेशनल लिटरेचर अंतर्जातीय साहित्य पुरस्कार 2023 पेन नवकप पुरस्कार किए पाई ए कुमार राजेश चंद्र बी विनोद शुक्ला सी अनीश दयाल डी रश्मि शुक्ला तो आप उत्तर बी हो विनोद शुक्ला नेक्स्ट क्वेश्चन हु ओन द वुमेन स्नूकर वर्ल्ड कप टाइटल तो स्नूकर वर्ल्ड कप टाइटल किए जीते गले ए अमी कमानी बी अनुपमा रामचंद्रन सी बोथ ए एंड बी डी नॉन ऑफ दी एवर उत्तर आप सी हो बोथ ए एंड बी हो परवर्ती क्वेश्चन देखा हु बिकम्स फर्स्ट इंडियन वुमेन फर्स्ट वुमेन ऑफिसर टू कमांड ए फाइटर यूनिट इन आईएएफ तो इंडियन एयरफोर्स रे युद्ध यूनिट कमांड करने को प्रथम महिला अधिकारी किए हेले ए शैलजा धामी बी भावना कांत सी मेघना सोनबोग डी नंदिता कुलकर्णी तो आप उत्तर ए हो शैलजा धामी नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन देश में आईएएफ विमान व्यायाम कोब्रा वॉरियर अंशग्रहण कर आईएएफ विल पार्टिसिपेट इन व्हिच कोब्रा वॉरियर टू बी हेल्ड इन व्हिच कंट्री ए चाइना बी जापान सी ब्राजिल डी ब्रिटेन उत्तर आपंकर कौन हो ब्रिटेन हो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा इन व्हिच कंट्री द इंडियन एयरफोर्स हैज पार्टिसिपेट इन एक्सरसाइज साइनु मैत्री कौन देश भारतीय वायुसेना साइनु मैत्री व्यायाम में भाग नहीं ए जापान सॉरी ए चाइना बी जापान सी अमेरिका डी इंडिया उत्तर आपंकर बी हो जापान परवर्त क्वेश्चन हु हैज बीन अवार्डेड द प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड बाय द एशिया चेस फेडरेशन एशिया चेस फेडरेशन द्वारा प्लेयर ऑफ द ईयर भाव में क्या घोषणा कर ए रमेश बाबू प्रगाढ़ानंदा बी अर्जुन एरिगेसी सी निहाल सरीन या फिर डी डी गुकेश उत्तर आपंकर कौन हो डी हो डी गुकेश उत्तर परवर्त क्वेश्चन गोल्ड माइन्स हैव बीन फाउंड इन द थ्री डिस्ट्रिक्ट ऑफ व्हिच स्टेट कौन राज्य तीनोटी जिले सुना खणि मिली ए केरल बी ओडिशा सी छत्तीसगढ़ डी झारखंड उत्तर आपंकर बी ओडिशा परवर्ती क्वेश्चन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द कोच ऑफ द इंडियन मेन्स हॉकी टीम भारतीय पुरुष हॉकी दल कोच भाव किए निजुक्त होती ए जोश बर्षा बी ग्राहम रेड सी क्रैग फुलटन डी आशीष कुमार बलाल तो उत्तर आपंकर सी हो जोटा कि क्रैग फुलटन हो नेक्स्ट क्वेश्चन हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ सशस्त्र सीमा बल तो सशस्त्र सीमा बल नुआ डायरेक्टर जनरल जोटा डी किए हो गले ए कुमार राजेश चंद्र बी सुजय लाल थाउसेन सी अनीश दयाल डी रश्मि शुक्ला उत्तर आपंकर कौन हो रश्मि शुक्ला परवर्त क्वेश्चन हु ओन द गोल्ड मेडल इन द मेन्स 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट एट द आईएसएसएफ वर्ल्ड कप शूटिंग चैंपियनशिप तो आईएसएसएफ विश्व शूटिंग चैंपियनशिप रे पुरुष 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट रे किए स्वर्ण पदक जीत ए सरबजोत सिंह बी सुमा सिरूर सी जीतू राय डी सौरभ चौधरी उत्तर आपंकर ए हो सरबजोत सिंह नेक्स्ट क्वेश्चन
who has won the 2023 Abel Prize. 2023 Abel पुरस्कार किए जीतिछंती ए लुइस काफेरेल, बी मार्टिन जेनकिंस, सी ओवेडो सेविन, डी लुइगी एम्ब्रोज। तो आपको उत्तर कौन हिजबो ए हिजबो जेटा कि लुइस काफेरेल हिजबो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विंस द नेशनल लेवल JCSSI इस्पात सुरक्षा पुरस्कार। जातीय स्तर रे JCSSI इस्पात सुरक्षा पुरस्कार किए जीतिला ए RINL, बी टाटा स्टील, सी FSNL, डी सेल SAIL। जोटा कि आपको उत्तर हिजबो ए RINL, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जोटा कि RINL। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, हु हैज ओन अवार्डेड पद्मश्री पोस्टमसली। तो कहा को मरणोत्तर पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करा गला ए जगदीप सोडी, बी सतीश कौशिक, सी प्रणब मुखर्जी, डी राकेश झुनझुनवाला। उत्तर आपनकर कोन हबो, उत्तर आपनकर डी हिजबो राकेश झुनझुनवाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन नेवी होल्ड्स बायलैटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज कोंकण 2023 विथ व्हिच नेवी इन अरेबियन सी। भारतीय नौसेना द्विपाक्षिक सामुद्रिक व्यायाम कोंकण 2023 अरब सागर रे कौन नौसेना सह आरंभ करिछि ए रॉयल नेवी, बी बांग्लादेश नेवी, सी ऑस्ट्रेलिया नेवी, डी स्पेन नेवी। उत्तर आपनकर ए रॉयल नेवी हिजबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट्स वर्ल्ड लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन व्हिच स्टेशन। तो आपणकर हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्ल्ड रो सबुठारु लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन स्टेशन रे उन्मोचन करछंती ए खड़गपुर, बी भोपाल, सी हुबली, डी हिजली। उत्तर आपणकर हुबली हेजो सी। परवर्ती क्वेश्चन, व्हिच इंडियन फिल्म विन्स एकेडमी अवार्ड फॉर द बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट। तो आपणकर कौन भारतीय चलचित्र श्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट पाई एकेडमी पुरस्कार जीतिछि। आपणकर एकेडमी अवार्ड जोंटा कि ऑस्कर अवार्ड कहा जाए, एटा इंपोर्टेंट होइबो। आपण ता ऊपर गोटे वीडियो बनैछि ऑलरेडी, प्ले लिस्ट आपण जाइके देखि परिबे। तो यार उत्तर कोन हिजबो ए द एलिफेंट विस्पर्स, बी हॉल आउट, सी हाउ डू यू मेजर ए ईयर, डी द मराठा मिसल इफेक्ट। उत्तर आपणकर द एलिफेंट विस्पर्स हिजबो जोंटा कि इंडियन डॉक्यूमेंट्री फिल्म हिजबो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, हु इज द SS फास्ट वुमेन रेलवे लोको पायलट ऑपरेट्स वंदे भारत एक्सप्रेस। तो वंदे भारत एक्सप्रेस चलेबारे प्रथम एशिया महिला किए हिजबे ए सुचित्रा मिश्रा, बी सुरेखा यादव, सी नंदिता वंदित, डी नवनदी एभव। उत्तर आपनकर बी हिजबो जोटा कि सुरेखा यादव हिजबे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अवार्डेड व्यास सम्मान फॉर 2023 व्यास सम्मान अवार्ड कहा को दियागला ए डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी, बी रामजी तिवारी, सी रामदास रामदर्श मिश्रा, या फिर डी नसीरा शर्मा। उत्तर आपणकर ए हिजबो जोटा कि डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा, व्हिच ऐप विन्स द प्रेस्टिजियस 13th एगिस ग्राहम बेल अवार्ड। तो कौन ऐप सम्मानजनक 13th एगिस ग्राहम बेल पुरस्कार जीतिला ए AI अगारा, बी फिनक्रॉप, सी उज्जीवन स्मेल, डी नवनदेव। उत्तर आपणकर उज्जीवन स्मेल हिजबो आपणको उत्तर। परवर्ती क्वेश्चन बढ़िबा, हु हैज अवार्डेड सरस्वती सम्मान फॉर 2023। तो 2023 सरस्वती सम्मान किए पुरस्कृत हेले ए शिवशंकरी, बी रमादास मिश्रा, सी अखिल प्रजापति, डी के शिवान। तो उत्तर आपणकर ए हिजबो शिवशंकरी हिजबे जे कि सरस्वती सम्मान 2023 रे सम्मानित होइछंती। परवर्ती क्वेश्चन देखिबा, हु नेम्ड गवर्नर ऑफ द ईयर बाय सेंट्रल बैंकिंग। सेंट्रल बैंकिंग द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर किए जीतिले ए दिनेश कुमार खारा, बी शक्तिकांत दास, सी राकेश मखीजा, डी के शिवान। उत्तर आपणकर बी हिजबो शक्तिकांत दास जोटा कि RBI गवर्नर प्रेजेंटली अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन, हु हैज रिसेंटली बीन अवार्डेड द ICC स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड 2022। तो 2022 ICC क्रिकेट स्पिरिट अवार्ड भावे कहा को अवार्ड दिया था ए विराट कोहली, बी रोहित शर्मा, सी आसिफ शेख, डी नवनदीप। उत्तर आपणकर सी हिजबो आसिफ शेख हिजबे। तो ये थिला टोटल जोटा कि 3 मास आपणकर ऑनलाइन करेंट अफेयर। आशा करती समस्त को सेशन भल लगे, ओनली इंपोर्टेंट MCQs नहींकि आसगली या बाहर कौन से प्रकार क्वेश्चन आपको आसवा ना। तो अपकमिंग जो भी परीक्षा आप प्रिपेरेसन कर समस्त ये प्रिफरेबुल रहा। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करा जमा भूलुनि। चलतु यही वीडियो सहित आपको समाप्त करवा सहित आपको यही भाई वीडियो नहीं जल्दी जल्दी आसवि से समस्त को बाय।